दूसरा बात एक ध्यान रखना कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो बॉल ऊपर जाती है और फिर यही बॉल नीचे आती है ना? ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो जब बॉल ऊपर जाती है तो एक्सलेशन क्या होता है? माइनस में जी होता है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो घटती जाती है ना, और हाँ हाइट जो है वो बढ़ता जाता है, यही ना होता है हाँ मैदान? हाँ तो सर। देखो, जब वेलोसिटी घटेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और जब हाइट बढ़ेगा मतलब इस फॉर्मूले से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, जब बॉल ऊपर जा रही लगेगा तब हाँ। हो गया। अब जब नीचे आता है बॉल तो क्या होता है? एक्सलरेशन प्लस में जी होता है, मतलब वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, यही ना होता है? तो चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और चूंकि हाइट घटता है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, है ना? होगा, हाँ सर। सही बोल रहे हो दोनों? हाँ सर। गुनगुन हाँ बोल रहे हैं। हाँ कहाँ बोल रही है? सुनाई देगा तब ना सुनेंगे, मानेंगे कि बोल रही हो। तो देखो, ये इनिशियल कंडीशन है, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये फाइनल सिचुएशन जब बॉल नीचे आने लगता है, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो क्या होता है? वो आपस में बराबर होता है, ठीक? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का रूल होता है, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो होता है उसको हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये ऐसी है, इनिशियल है, इसको सिंबॉलिकली कैपिटल ई से भी इंडिकेट करते हैं, तो ये ई आई हो गया, ये ई एफ हो गया, ठीक है? हाँ।